नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय हमारे साथ बेगूसराय के सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं और हम इनसे बहुत ज्वलंत मुद्दे जो बेगूसराय की सरजमी से जुड़ी हुई बातें हैं, मैं उस टॉपिक पे भी बात करूंगा। साथ ही भाजपा की आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होने जा रही है, चूंकि बहुत सारे स्टेट में जो हार का सामना करना पड़ा है, क्या वह सामना बिहार में भी करना पड़ेगा या वो उस चीज को रोक पाएंगे? जी सर, जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में एक लोकप्रिय सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है और पूर्व की सरकारों से इतर हम जन सरोकार के मुद्दों से जुड़े रहे हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन के नेतृत्व में जब हम चुनाव में जाएंगे तो जनता से जुड़ी हुई बातें, जन सरोकार की बातें, जनता के विकास की बातें और जो एक साफ सुथरा छवि नीतीश कुमार का है उसके नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे और जो हार की बात आप कर रहे हैं वो बिहार में दोहराया जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि विपक्ष का जो गठबंधन है वो बिखड़ा हुआ गठबंधन है, उसका कोई विजन नहीं है, उसका कोई नेतृत्व नहीं है। ऐसे परिस्थिति में बिहार की जनता एक अजमाए हुए नेतृत्व, एक सधा हुआ नेतृत्व, एक स्वच्छ नेतृत्व नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जदयू के गठबंधन को चुनेगी। सर, आप सांसद प्रतिनिधि हैं, बेगूसराय आपकी कर्मभूमि रही है, आपका क्षेत्र है पूरा, आप एक एक व्यक्ति को लगभग जानते हैं, चूंकि पेशे से भी आप वकील हैं और यहाँ पे आपने कभी भी हिंदू मुसलमान जैसे बात नहीं की है, बहुत साफ सुथरी छवि है इस मामले में। आप सर, आप एक चीज बताएंगे कि ये नवाब चौक या फूल चौक की जो स्थिति है इससे निपटने की कोई कार्य योजना बन पा रही है? जहां तक बेगूसराय की परिस्थितियों का सवाल है, बेगूसराय एक साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकार की भूमि रही है, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम की बात कभी रही नहीं है और सभी संवर्ग के लोग वैचारिक आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जब मैं फूल चौक को देखता हूँ और जब नवाब चौक को देखता हूँ तो हमें लगता है कि कुछ ऐसे लोग जो सोने का तो भ्रम पाले हुए हैं लेकिन वो जगे हुए लोग हैं, वो बरगलाए हुए लोग हैं और वो अपनी कहीं भड़ास निकालना चाहते हैं। हम उन्हें स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते कि बेगूसराय की सरजमी में सीए से प्रभावित एक भी बंदा यदि बता दें तो मैं नवाब चौक पर जाऊं और फूल चौक पर जाऊं और अपनी बात कहूं, लेकिन एक भी बंदा यदि बेगूसराय में नहीं है, और वो जानते हैं कि सीए के प्रभु में कौन आता है, वो जानते हैं कि सीए से प्रभावित यहाँ का कोई आम शहरी नागरिक या भारतीय भारत का कोई नागरिक नहीं है, लेकिन फिर भी सीए को मुद्दा बनाकर और जो दलित मुस्लिम गठजोड़ का प्रयोग बेगूसराय की धरती पर करने का कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, हम उनको वो आयना दिखाना चाहते हैं कि भारत विभाजन के समय जो जगन्नाथ मंडल पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान के बाद मात्र 1.5 वर्षों में रोते हुए हिंदुस्तान की सरजमी पर दाखिल हुए और उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू और हिंदुओं में दलित और मुसलमान के गठजोड़ करके पाकिस्तान में गए उनकी स्थिति खराब है, आज सीए उसका ही तो जवाब है। इसीलिए हम उन भाइयों से कहना चाहते हैं जो जानकर भी अनजान बने हुए हैं, वो सीए में क्या ढूंढना चाहते हैं? इसीलिए जो लोग कागज की बात करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि मैं अधिवक्ता हूं, बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं आती, लोग आते हैं, वो कहते हैं मैं एफिडेविट कराना चाहता हूं अपने जन्म पत्री का। अरे उसके पास तो सबसे बड़ा आधार कार्ड है, उसके पास वोटर कार्ड है, वो मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, फिर भी कौन से लोग हैं जो उनको कह रहे हैं कि आप कागज बनाइए? इसीलिए ये भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र है और ऐसे षड्यंत्रकारी को कभी भी भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होने देगी। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बड़े स्पष्ट तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन जनप्रतिनिधि वहां पे जो जाते हैं या तो भ्रम की स्थिति को और बढ़ा देते हैं या जो सरकार से संबंधित जो जनप्रतिनिधि है वो वहां पे पहुंच नहीं पा रहे, इसके पीछे का क्या कारण है? मैं मानता हूं कि सबसे पहले बलिया के फूल चौक पर लोगों ने धरना शुरू किया और जवाब तो इसका इसी में छिपा हुआ है कि फूल चौक हो या नवाब चौक हो, ये जो लोग इसमें शामिल हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर ही उसका वेन्यू क्यों चुनते हैं?
वो हिंदू बहुल इलाके में जाके बताएं, लोगों को बताएं, तब मैं समझूं कि आर्टिकल 14 बोल रहा है। ये सवाल साफ है कि इनका आर्टिकल 14 संविधान में सबको समान अवसर देने का कोई मामला नहीं है। ये मामला ये है कि वो लोग हैं जो राजनीतिक रूप से पराजित लोग हैं, जो लोकतंत्र में चुनाव में बैलेट से हराए गए लोग हैं, वो उसको बुलेट से जवाब देना चाहते हैं, और इसीलिए बेगूसराय के लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया है और इतने दिनों से वो धरना दे रहे हैं। अब उनका चार्मिंग खत्म हो गया है, अब तो उन लोगों के बीच में भी उनका चार्मिंग खत्म हो गया है जो लोग उस धरना में जाया करते थे। इसीलिए मेरा साफ संदेश है उन लोगों के लिए कि आप इन बातों को और इस शेर को सुने कि मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल ना हो मस्जिदों की आबरू, ये फिक्र मंदिर के रहनुमाओं को भी हो। हम हिंदू मुस्लिम साथ बेगूसराय को बनाएंगे, और इस तरह की नफरत की बात कहकर आप फूल चौक और नवाब चौक पर इस तरह से नफरत की बीज को आगे न बढ़ाइए। हमें साथ साथ रहने दीजिए, बेगूसराय को सद्भाव में रहने दीजिए, और इसी सद्भाव से बेगूसराय का विकास होगा। माननीय सांसद के द्वारा बेगूसराय में कौन कौन से कार्य किए जाए? माननीय सांसद के द्वारा बेगूसराय में सबसे पहले तो 9 मिलियन मैट्रिक टन का पिछले ही माह IOC बोर्ड ने उसकी स्वीकृति दी, और ये जब क्षमता विस्तार होगा तो ये पेट्रोकेमिकल की तरफ बड़ी छलांग। थोड़ा सा सर इसको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक होते हैं वो ये मीट्रिक टन दुनिया जहां की बातें बहुत कम समझ पाते हैं। बरौनी रिफाइनरी में का जो क्षमता था वो 6 मिलियन मैट्रिक टन था जी, उसका विस्तार करके इस बार उसको 9 किया गया है, करीब डेढ़िया उसका विस्तार हुआ है। इस तरह से विस्तार से क्या होगा, यहाँ पर पेट्रोकेमिकल तभी बनता है जब 9 या 10 मिलियन टन की रिफाइनरी होती है, और बहुत दिनों से यहाँ पर पेट्रोकेमिकल की बात कही जाती थी। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो लोग यहाँ राजनीति कर रहे थे, और यहाँ तो ये भी कहा जाता था, एक नेता का मैं नाम नहीं लूं, कि उनके बारे में कहा जाता था कि वो पेट्रोकेमिकल की माँ है, और इस आधार पर दो दो तीन तीन लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता। लेकिन ये स्पष्ट है कि जब तक 9 या 10 मिलियन टन का रिफाइनरी नहीं होगा तब तक कोई पेट्रोकेमिकल नहीं बन सकता है। तो गिरिराज जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पिछले ही माह इंडियन ऑयल बोर्ड ने पूर्व वित्तीय वर्ष का जो संकल्प था और उसके लिए राशि आवंटित थी उसको स्वीकृति दी है। अब रिफाइनरी का विस्तारीकरण भी होगा और उसके साथ साथ पेट्रोकेमिकल भी बनेगा। दूसरा सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारा जो HURL है वो 2021 में स्पष्ट रूप से उत्पादन के कगार पर होगा, वो उत्पादन करने लगेगा। उसके साथ साथ सड़क के जो 4 लेन के निर्माण रुके हुए थे उसके लिए गिरिराज सिंह ने उसकी बैठक बुलाई, और बैठक करने के बाद उसके काम को तेजी से आगे बढ़ाया है। और जहां तक एलिवेटेड सड़क का सवाल है उसके बारे में भी काम हो रही है। रेलवे के बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता कि बेगूसराय और बरौनी दोनों को आधुनिक सेवाओं से सुसज्जित रेलवे स्टेशन के रूप में परिणत किया जाएगा। आगामी 13 तारीख को ही सो वहां पर एक जो झंडा लगा हुआ पोस्ट है उसका उद्घाटन होगा, उसका ध्वजारोहण होगा, साथ साथ रेलवे के अधिकारी भी आएंगे, और साथ साथ उनके साथ एक बातचीत होगी जिस बातचीत में बेगूसराय रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ निकास द्वार होगा, दोनों तरफ प्लेटफॉर्म होंगे, जिस तरह से क्या होगा कि बेगूसराय के उत्तर की जो एक बड़ी आबादी दक्षिण की तरफ उतरती है और NH पर जो ओवरक्राउडेड होता है वो उनका उधर से ही गेट बन जाएगा, और ये दोनों काम बरौनी में भी होगा। इसके साथ साथ रेलवे के अंडरपास कम से कम 1 दर्जन अंडरपास स्वीकृत हुए हैं, और अंडरपास बन जाने से क्या होगा कि जो शहर में और बरौनी में जो ट्रैफिक की समस्या रहती है उसको दूर किया जाएगा। साथ ही साथ जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उस पर भी गिरिराज सिंह जी की पूरी नजर रहती है। साथ साथ गिरिराज सिंह जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, उनके जो MPLAD के फंड हैं उसमें भी 2.5 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाओं को लिखा गया है, वो भी 1 महीने के अंदर में वो मूर्त रूप में सामने आ जाएगा। इसीलिए हम साफ कह सकते हैं कि गिरिराज सिंह जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जन सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, और जनता की आवाज, जनता का विकास, जनता से जुड़ी हुई समस्याएं
से हमेशा रूबरू होते रहते हैं और मैं उनको बताते रहता हूं। इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि गिरिराज सिंह एक प्रतिनिधि के रूप में जनता से जुड़े हुए, जनता के विकास के, जनता की पीड़ा के सफल मुखर प्रहरी। सर, बेगूसराय में चिकित्सा का हब बनते जा रहा है, जो चिकित्सा में बड़ा अच्छा नाम भी कमाया, बेगूसराय का नाम भी बढ़ाया है, और यहाँ पे अलग अलग जिलों से, बहुत दूर दूर जिलों से भी पेशेंट आते हैं और उनके साथ जो परिजन होते हैं बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों की फीस लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन कंपाउंडरों के द्वारा जो उनके साथ व्यवहार होता है वो बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं होता है निजी क्लिनिक में, ये पहली बात। दूसरी बात कि वो कहाँ रहेंगे, किस अवस्था में रहेंगे, क्या नगर निगम को एक रैन बसेरा बनाने की आवश्यकता है? नगर निगम पहले तो अपना काम करे, रैन बसेरा तो बाद में बनेगा। जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आपने कहा, गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों सदर अस्पताल का विजिट किया था और उनके पहल से यहाँ पर सीटी स्कैन की मशीन और उसके भवन बन गए हैं। सीटी स्कैन की मशीन लग गई है और अब सीटी स्कैन सदर अस्पताल में ही होगा। जहां तक आईसीयू बिल्डिंग का सवाल है, स्पष्ट रूप से पिछली बैठक में सिविल सर्जन को कह दिया गया था कि पिछले 2-3 वर्षों से जो बनकर पड़ा हुआ है आईसीयू की बिल्डिंग, वहां पर अब आईसीयू का काम भी होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति भी गिरिराज सिंह सजग हैं और यही कारण है कि पिछले दिनों उन्होंने आयुष्मान भारत को विशेष रूप से फोकस किया और उसके बारे में जो भी मरीज हैं और विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी आयुष्मान भारत के प्रिव्यू में आते हैं उनके बारे में उनकी सोच है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से, हर्षवर्धन जी से भी बात की है और उन्होंने निवेदन किया है कि आयुष्मान भारत में बहुत से ऐसे सर्जरी के, गायनी के ऐसे केसेस हैं जिसमें कॉस्ट कम है, उस कॉस्ट को बढ़ाया जाए, बेगूसराय में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, दोनों सेक्टरों में, ये हमारे केंद्रीय मंत्री सांसद गिरिराज सिंह की प्रायोरिटी है। बेगूसराय की कानून व्यवस्था से कितना संतुष्ट? बेगूसराय के कानून व्यवस्था के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं 24 साल से क्रिमिनल साइड का प्रैक्टिशनर हूं। मैं स्पेशल पीपी रहा हूं, अभी भारत सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल। मेरा और पुलिस अधीक्षक महोदय से साफ कहना है कि कानून मैसेज से चलता है, अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया और आम शहरी को सुरक्षात्मक रवैया, आप जिस समय प्रदान करेंगे उसी समय अपराध पर अंकुश लग जाएगा। और जिस समय ये मैसेज होगा कि आपके थाना अध्यक्ष बेलगाम है और वो अपने मनमर्जी से काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से विरोध होगा। मैं बार बार जब भी हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मैं तो आपको बताता हूं कि 12 बजे रात में गिरिराज सिंह जी को फोन करता है, लोग कहता है कि हमारी हत्या हो गई है, लोग कहता है कि हमारे बेटे को गोली मारी गई है, और ऐसे संवेदनशील सांसद हैं कि वो ऐसे समय में भी हमें फोन करते हैं, 12 बजे रात को फोन करते हैं। मैं पुलिस अधीक्षक को कहता हूं, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत ही ईमानदार, मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन उनके ईमानदारी का लाभ बेगूसराय को मिलना चाहिए। और जो लोग बेलगाम थाना अध्यक्ष जो बेगूसराय की कानून व्यवस्था को धता बता रहा है, अभी कल ही रात में एक रविंदर यादव जो ट्रक का व्यवसायी था उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई राजेंद्र रोड जैसे व्यस्तम जगह पर, और थाना अध्यक्ष आपका कहता है फुलवरिया कि एक्सीडेंट हो गया, आप किसी को एक्सीडेंट बता रहे हैं, किसी को क्रिमिनल पृष्ठभूमि का बता रहे हैं, और इस करके आप वर्गीकरण करके अपराध की बढ़ती घटनाओं को विच्छेदित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरा सीधा संदेश है कि बेगूसराय में बढ़ती अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगे, पुलिस अधीक्षक ईमानदार हैं, अपने ईमानदारी का सर्वोत्तम प्रयोग बेगूसराय में करें, और जो निरंकुश थाना अध्यक्ष है उस पर लगाम लगाएं, और यदि ये नहीं होता है तो हम सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर रहें, हम जन सरोकार के लोग हैं, हम जनता के बीच जीने वाले लोग हैं, हम जनता की आवाज के साथ जुड़कर रहेंगे। और ये बात माननीय सांसद गिरिराज सिंह जी का भी कहना है कि जनता जब तक जिंदा रहेगी तभी सत्ता भी जिंदा रहेगी। सत्ता को जिंदा रखने के लिए जनता को मारने का हमारा कभी भी भरोसा नहीं रहा है। इसीलिए जनता के सरोकार का विषय, जनता की पीड़ा का विषय, जनता की संवेदना का विषय ही हमारा मूल उद्देश्य है और उस पर ही हमारा फोकस रहेगा, और यही माननीय सांसद का भी संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख रहे थे आप अभी अमर कुमार जी से हमारी बातचीत हो रही थी, जो बेगूसराय की तमाम उन बातों को हमने रखा जो रखने योग्य था,
और जो कानून व्यवस्था पर जो जिस बेबाकी से इन्होंने बात की है उसके लिए इनको बहुत बहुत